हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का स्वागत है। आज बना रही हूँ आप सभी के लिए सूरन की सब्जी। आपके शहर में इसे क्या कहते हैं, आप ज़रूर बताएं। तो ये सूरन मैंने सामने रखा है आपके, टोटल आधा किलो है। इस टाइप का होता है और मैंने इसे छोटे पीस में करके बॉईल करके रख लिया है। तो ये 250 ग्राम है। चॉप किया हुआ प्याज लिया है मैंने, चॉप किया हुआ टमाटर लिया है, साथ में लिए हरी धनिया चॉप की हुई, अदरक चॉप किया हुआ, कुछ खड़े मसाले हैं, हरी मिर्च, कुछ सूखे मसाले, यहाँ पे लिया नमक, गरम मसाला, सब्जी मसाला और थोड़ा सा हींग लिया है। चलिए इतने ही मसाले से हम बना लेते हैं सूरन की सब्जी। तो राई जीरा डाल दिया हमने आधी आधी चम्मच, तेल अच्छी तरह से गरम कर लिया है आप देख सकते हैं। 2 से 3 मिर्ची डाल दी हमने इसमें हरी वाली, कुछ गरम मसाले के पत्ते डाल दिए हैं, चटकने देंगे अच्छे से। दालचीनी डाल दी है, ये सब्जी गर्मी ठंड में बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी बनती है, किसी भी सीज़न में बनाओ तो एक बार बना के ज़रूर देखें। चॉप के हुआ प्याज डाल दिया हमने इसमें, ये 6 से 8 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ सब्जी। तो तेल मसाले भी उसी हिसाब से रखे हैं मैंने। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे, चॉप किया हुआ जिंजर डाल दिया है, अच्छी तरह से सभी को भूनना है। इस सूरन को फ्राई करके भी बना सकते हैं और बॉईल करके भी बना सकते हैं, दोनों तरह से। तो हमने बॉईल करके और फ्राई कर लिया है, प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, सारे मसाले मिला देंगे। 1 चम्मच मैंने मिर्ची डाल दी है, मिर्ची का स्वाद आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें। बाकी मसाले में हल्दी पाउडर डाल दी 1 चम्मच और ये 2 से 2.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया इसमें। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, हल्का सा नमक हमने उसको सूरन को बॉईल करते वक्त भी डाला था। तीन चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं, इसका पेस्ट बनाया है, काफ़ी अच्छी तरह से भूनना है इसे। मसाला हमारा जितना अच्छा भुनेगा सब्जी में स्वाद भी उतना अच्छा आएगा। तो कोशिश करें मसाला कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से भुने से। ढक दिया हमने 2 मिनट के लिए, चलिए देख लेते हैं। गरम मसाला डाल दिया है, साथ ही डाल देंगे सब्जी मसाला। हल्का सा 2 पिंच हींग डाल दी हमने और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छे से भूनना है इसे अच्छा सा कलर आने तक। जैसे जैसे हमारा मसाला भुनेगा इसकी महक आती जाएगी। चॉप किया हुआ धनिया डाल दिए, दो मिनट के लिए और रख दिया हमने ढक्के से, चलिए देख लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा काफ़ी अच्छा भुन के तैयार हो गया है। मिक्स कर देते हैं अच्छे से,
कलर आप देख सकते हैं, हल्का सा पानी डाल दिया इसमें। ज़रूरत पड़ने पे पानी मिलाते जाएं वरना मसाला जल जाएगा। सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। बॉईल किया हुआ सूरन मिला दिया हमने इसमें, हल्का सा ऐसे फ्राई भी कर लिया था। तो आप जब भी बनाएं इसी तरह से बनाएं, बॉईल करें और हल्का सा फ्राई कर लें, या बॉईल करने से पहले ही फ्राई कर लें तो भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। दोनों तरह से टेस्टी बनेगी, बना के देखें एक बार। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको इस सब्ज़ी का स्वाद कैसा लगा, और पहले आपने बनाई है कि नहीं, और आपके शहर में इस सब्ज़ी का नाम क्या है, क्या कहते हैं इसे, इस सब्ज़ी को सूखा रखना है या गीला, जितना पानी चाहिए हम उस हिसाब से मिला देंगे इसमें। सूरन को हमने ज़्यादा नहीं भुना है क्योंकि इससे पहले ही फ्राई कर लिया था। अब 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी मिलाया है। चलिए चेक कर लेते हैं इसे। सब्जी बन के तैयार हो गई है। पानी हमेशा मीडियम मात्रा में ही मिलाएं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, कभी भी बना के देखें। मैं इसे एक छोटे से बॉल में निकाल ले रही हूँ। कलर आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं, बना के ज़रूर देखें एक बार। चलिए, सूरन की सब्जी तैयार हो गई है। मैंने इसे पराठे और हरी लहसुन की चटनी के साथ परोसा है, तो आप खा के देखें एक बार। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।